नमस्कार भाई माने, जय जगन्नाथ। केमती अच्छे आपण माने? तो आमे आज बुली आसार द्वितीय बृहत्तम जूलोजिकल पार्क जहाँ हूँ नंदनकानन जूलोजिकल पार्क। तो ये नंदनकानन जूलोजिकल पार्क टी भुवनेश्वर एयरपोर्ट ठारु 17-18 किलोमीटर होता बेले भुवनेश्वर मेन रेल स्टेशन रु 16-17 किलोमीटर। आठिक आसपा सबुठ पाख रेल स्टेशन हूँ बारंग रेल स्टेशन, जोटा कि यूठू मात्र 2-2.5 किलोमीटर डिस्टेंस हम। आपड़ चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जरिया आसिक आपने नंदनकानन जूलोजिकल पार्क में पहुंची पारे। वीडियो को लाइक करदे और चैनल जी नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो नंदनकानन भितर को प्रवेश करने पूर्व सर्वप्रथमें आपको ये गेट्रे टिकेट कराक पड़ 12 वर्ष रु ऊर्ध बयस पाई लगे 50 टंका, 12 वर्ष रु 3 वर्ष बयस पाई लगे 10 टंका और 3 वर्ष रु कम बयस पाई कौन प्रकार टिकेट लगे। एवं बोटिंग लायन सफारी और बैटरी चालित गाड़ी मान सुविधा पाई अलग करी टिकेट रही। जिते बड़े आप नंदनकानन भितर को प्रवेश करे कौन प्रकार प्लास्टिक पदार्थ कौन प्रकार रंधा खाद्य भितर को एलाउ करें। सप्ताह 7 दिन मध्य केवल सोमवार दिन ही नंदनकानन बंद रुहे यार मेन्टेनान्स कार्य करने। तो आपने सप्ताह सोमवार को छाड़ी आउ सब दिन बुलवा को आसपारे। आपने नंदनकानन भितर को प्रवेश करो हुए तो आपण मान चारिपाखे माकड़ मान देखिए आपण मैंने बहुत खुशी हो पारती, किंतु आपण मैंने आदौ तक कौन प्रकार खाद्य पदार्थ दिंतु ना ना टिके नजर हटव दुर्घटना घटव। आई मीन से आपको कामुड़े कमुड़े दे पारती कि आपंकर जिनसपत को छड़े नहीं पल पारती। नंदनकानन भितर बोटिंग फैसिलिटीज मिल पारे जी आप दुईजिया डा अध घंटा निहले आपको पर पर्सन पिछा 50 टाँह लेखाएं पड़ो। यदि आप चारज व्यक्ति विशिष्ट डंगा नापी चाहती ताले अध घंटा को आपको पर पर्सन हिसाब से 100 टाँह लेखाएं पड़ो। यदि आप फैमिली बोट नापी चाहती ताले पर पर्सन पिछा 150 टाँह लेख अध घंटा को। बाकी बोटिंग करू करू जो नंदनकानन यही बोटिंग एरिया जो बाहर जो दृश्य देखिले बहुत ही खुशी लगे आउ आनंद भी मिल। तो यही प्रजातिर भालुक कहुए हिमालय कृष्ण भालुक जहाँ रंग चिकण कला और छाती में गोटे धला रंगर स्पट थाए जहाँकि 5-6 फुट पर्यंत लंबा होती। साधारणतः एमाने काश्मीर रु आसाम मध्य पहाड़र 5-12,000 फुट उच्चते बसवास करती। एवं शीत दिन तुषारपात हवा पूर्व पहाड़र पादेश को आसी विभिन्न प्रकार मक्का और गहम चाष गुड़ी नष्ट कर दे था। साधारण यही भालुगुड़िक बणुआ कोली महू उईहुंका आ विभिन्न प्रकार पोकजोक खाइबाकु पसंद करथांती। एमाने शरत ऋतु रे प्रजनन करथांती ओ बसंत ऋतु रे 2-3 शावक को जन्म देथांती। तो यही प्राणी होउची नंदनकानन जूलोजिकल पार्क रो मुख्य आकर्षण जहाँ कि लायन टेल्ड मकाओ। तो यही प्रजातिर जीव साधारणतः वेस्टर्न घाट किंबा साउथ वेस्टर्न घाट इंडिया रे देखिवा को मिले। साधारणतः मनसून एरिया गुड़िक जीव देखिवा को मिलंती एवं यही जाति गुड़िक मांकड़ सदृश थांती, किंतु एमानक मुह पाखरे थिबा चुट्टी आउ एंक लांगुड़ सिंहपरि देखा होथिबारु यहार ना लायन टेल्ड मकाओ रखा जायछि। एवं दुखर कथा जे यही प्रजातिर मांकड़ संख्या धीरे धीरे लुप्त होबा को लागिलाणी। भारतर जातीय पशु भाव जनाशुना ये हूँ महाबल बाघ। गोटे बाघुणी प्राय 3.5 मास गर्भधारण करी 3-4 शावक छुआ जन्म देते से बिलई छुआ पड़ 7-10 भीतर आखि फिटी थाए 3-4 मास पर्यंत मार क्षीर खाई थांती। यही प्रजातिर बाघ माने साधारणतः हरिण संबर नीलगाई बारा मईसी एमानंकर शिकार करी निजर पेट भरी थांती। किंतु दुखर कथा एया कि आमे जो नंदनकानन भितर जो बाघ किंबा बाघुणी को देखुचु सेमाने सेते सुस्थ आउ सबल नुह जेति कि आमे नॉर्मली टीवी रे किंबा विज्ञापन रे देखुछंती। तो एतिक अनुरोध रहिबो कर्तृपक्ष को नंदनकानन कर्तृपक्ष को सेमाने उचित भावरे बाघ बाघुणी मानकर जत्न नियंतु जहाँ फल सेमाने सुस्थ सबल एवं दीर्घायु रहिबे। तो ये महाराज होउछन्ती आमर हिप्पो
ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜଳ ହସ୍ତୀ ବା ପାଣି ହାତୀ ବି କହୁ, ତ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମହାଦେଶର ନଦୀରେ ଏବଂ ହ୍ରଦରେ ଦଳବନ୍ଧ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ସନ୍ନିକଟ ତୃଣଭୂମିରେ ଚରନ୍ତି। ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାସ, ଚୋକଟ, ବନ୍ଧାକୋବି, କଦଳୀ, ଗାଜର ଏବଂ ଡାଳପତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ମାଈ ଜଳହସ୍ତୀ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ। ଏମାନେ ନର୍ମାଲି ତୃଣଭୋଜୀ ଜାତୀୟର। ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିବେ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ଏଟା ତ ଟୋଟାଲି ଅସମ୍ଭବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଆସିଲେ ପାଖାପାଖି 4-5 ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିବେ ହରିଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ଏଟା ତ ଟୋଟାଲି ଅସମ୍ଭବ। ତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହି ଅଧିକା ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତ ଏଇ ଗୋରୁ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଗୟଳ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ ଓ ବୃକ୍ଷ ଆହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍କର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ମଜାମସ୍ତି କରି ଖେଳିପାରିବେ। ତ ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୀମା ପାଖାପାଖି 30-40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ 42-46 ଦିନ ଥାଏ। ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମେଚ୍ୟୁରିଟି 3-4 ବର୍ଷ ଥାଏ। ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଫିମେଲର ସାଇଜ୍ 5.7 ଫିଟ୍ରୁ 6.2 ଫିଟ୍ ଟଲ୍ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ 6.9 ଫିଟ୍ରୁ 9 ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ର ୱେଟ୍ ପାଖାପାଖି 90 କେଜିରୁ 110 କେଜି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମେଲ୍ର ୱେଟ୍ ପାଖାପାଖି 100 କେଜିରୁ 130 କେଜି ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ର ସାଇଜ୍ ଫିମେଲ୍ର ସାଇଜ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ତ ଆମେ ଦେଖାହେବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ।